जी मैथमेटिक्स इंटरव्यू वीडियोस नंबर 69 टॉपिक्स कैलकुलस। तो कैलकुलस की काफ़ी डिमांड है कि उस पर कोई वीडियोस नहीं बनी है, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है जनरली। इंटरव्यू में जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं वहाँ चैन बोर्ड में, वो इस पर क्वेश्चन करते ही रहते हैं। अगर आप बताते हैं कि कौन सी बुक्स अच्छा है या किस बुक्स में आप ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, अगर आप सब्जेक्ट पूछा जाए कि मैथमेटिक्स में क्या आपका ज़्यादा अच्छा, तो ज़्यादातर लोग कैलकुलस ही बता देते हैं, कैलकुलस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कैलकुलस में जनरली जो फॉर्मूले कभी कभी पूछ लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, साइन एक्स का, कोस एक्स का, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, तो वो पूछने के बावजूद फिर वो तो सब लोग बता ही ले जाते हैं उस, या फिर उस पर कोई न्यूमेरिकल करा ले जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आगे चल के वो न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा जो बोर्ड पर खड़े होकर कराते हैं आजकल कैलकुलस में। ठीक है, अगर कैलकुलस आप लेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बोर्ड पे डिफाइन करना आपको, यानी कि सॉल्व करना होगा, तो वो आगे किसी वीडियोस में बना दूंगा। ज़्यादातर इस क्वेश्चन को ले आते हैं nth डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन पूछते पूछते कि n वा डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे nth डेरिवेटिव ऑफ y होगा d की पावर n dx की पावर n बाई वाई। ठीक है, जितनी जनरली जो लास्ट क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं बोला जाता है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ये होता है डी डी एक्स ऑफ वाई ना, लिख लेते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स ओनली। जनरली ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट होना चाहिए डी 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 एक्स ऑफ वाई। ठीक है, इक्वल होता लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, एंड ये डी डी एक्स ऑफ एफ ओफ एक्स, अगर वाई इक्वल टू एफ ओफ एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ एफ ओफ एक्स, ये लिखते तो रहते हैं जनरली डी अपॉन डी एक्स एंड वाई ब्रैकेट में है, वाई अलग है, तो डी 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 एक्स की मल्टीप्लाइंग में वाई आएगा तो वाई को ऊपर मल्टीप्लाइंग में ले लेते हैं, परंतु कंप्लीटली ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता है, ये एक क्वांटिटीज है जो मैं डिफाइन कर लेता हूँ, डी डी एक्स ऑफ वाई है, ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होता है। ठीक है, जल्दबाजी में इस तरह का होता है, इस तरह से लिखते हैं तो फिर उसको यूँ लिख देते हैं, परंतु ये डी वाई बाई डी एक्स नो नॉट। ठीक है, ये एक सुटेबल पॉइंट नहीं माना जाता है, जबकि ज़्यादातर लिखा हुआ है ज़्यादातर बुक्स में या कहीं भी नज़र आता है। ठीक है, तो ये NVS या KVS के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है बार बार कि ये क्या सही है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इसको बोला जाता है, तो इस पे काफ़ी चर्चा हो जाती है, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है ना, यानी कि वाई का एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ऐसे ही nth डिफरेंशिएशन ऑफ वाई होता है डी डी की पावर एन डी 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 एक्स की पावर एन ऑफ वाई, इस तरह से लिखा है, या बाई ऑफ एन, या डी की पावर एन बाई, या डी की पावर एफ ऑफ ओ एक्स की पावर एन है, अगर बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, या एफ की पावर एन इंटू एक्स लिख सकते हैं। nth डेरिवेटिव में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ई की पावर एक्स का ज़्यादातर पूछते हैं, ई की पावर एक्स का आप डिफरेंशिएशन करें तो ई की पावर एक्स ज़्यादा, एक बार करेंगे तो, दो बार करेंगे तो क्या आएगा, इस तरह से अगर एन टाइम करेंगे तो क्या आएगा, डी की पावर एन ई की पावर एक्स, तो ए की पावर एन ई की पावर एक्स हो जाता है, यानी एक्स इंटू ए बार बार आता चला जाता है, जैसे डी ई की पावर एक्स हो जाएगा, ए की पावर एक्स, डी की पावर टू ई की पावर एक्स, यानी ए स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो ऐसे डी की पावर थ्री ई की पावर एक्स, ए की पावर थ्री ई की पावर एक्स, ऐसे आता चला जाएगा। अब बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है ये तीसरा चौथा क्वेश्चन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक बार करेंगे कोस एक्स, कोस का माइनस साइन, साइन का फिर कोस, ऐसे ही कोस का साइन, कोस का माइनस साइन, साइन का कोस, इस तरह होता चला जाता है। तो आप ये बात बताइए, जब एन एन बार अगर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या आएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है घुमा फिरा के, या है तो वही, यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, डी की पावर एन साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ये फॉर्मूला पूछा है, तो उसको कई बार इस मोड में कर दिया कि हाँ पता नहीं क्या पूछ रहा है, साइन का कोस, कोस का साइन, तो हम लोग का माइंड उस पॉइंट पे लगा रहता है कि साइन का कोस हुआ, कोस का साइन हुआ, एक बार किया तो फिर प्लस हो गया, दो बार किया फिर माइनस हो गया, ये हो गया, परंतु मेन पॉइंट जो मेन मुद्दा है वो है कि साइन की डी की पावर एन साइन एक्स पूछ रहा है। ठीक है, यानी एक्सपर्ट का मन है कि यानी कि nth डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला बता दिया जाए। ठीक
ठीक है। तो सीधा सीधा पॉइंट है nth डिफरेंशिएशन यानी डी की पावर एन साइन एक्स इक्वल टू, क्योंकि एन बार का, एन का मीन्स नहीं है कि ओड नंबर है कि इवन है, कहीं पता ही नहीं कहाँ पे छोड़ना है, तो उसे साइन का कोस, कोस का साइन से करेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें, डी की पावर एन साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एन बाई टू, ऐसे ही डी की पावर एन कोस एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस एन बाई टू, और इससे ऊपर फॉर्मूला था डी की पावर एन साइन एक्स प्लस बी का ए की पावर एन साइन एक्स प्लस बी प्लस एन बाई टू, ऐसे ही डी की पावर थ्री ई की पावर एक्स है, ए की पावर थ्री ई की पावर एक्स एंड डी स्क्वायर ई की पावर एक्स ए स्क्वायर ई की पावर एक्स, जो ऊपर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टू, तो उसी से मैंने डिफाइन कर दिया है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है बार बार। एंड सेवन नंबर है डी की पावर एन लोगी ए एक्स प्लस बी, तो ये फॉर्मूला होता है माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन ए की पावर एन एक्स प्लस बी की पावर एन, कोई कोई एक्सपर्ट पूछ लेते हैं ये सात पावर आठ हुआ डी की पावर एन एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन, क्योंकि जब लगता है कि सब कुछ बताता चला जा रहा है, सब कुछ क्वेश्चन में ओके होता चला जा रहा है, यानी कैंडिडेट सब कुछ बता पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ पूछो कि थोड़ा फंस जाए, क्योंकि साइन कोस जनरली पूछ ही लेते हैं, एन डिफरेंशिएशन वगैरह लेकिन थ्योरम पूछ लेते हैं, बट थोड़ा सा हार्ड फॉर्मूला पूछते हैं तो हो सकता है। तो मान के चलिए एन डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूलेस हैं सब याद करके जाइएगा इंटरव्यूज में, तो मैं भी कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा चांस तो इन्हीं का है जो मैंने लिखाए हैं, पर फिर भी अगर और भी अगर जो हैं इसमें बचे हुए उनको सबको डिफाइन करके जाइएगा, सबको याद करके जाइएगा, ठीक है। और आगे आता है लिबनीज थ्योरम, क्या है लिबनीज थ्योरम, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाइंग में है उनका एन टाइम डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। कभी कभी यही पूछ लेता है व्हाट इज़ द लिबनीज थ्योरम, लिबनीज थ्योरम क्या है, यानी कि दो मल्टीप्लाइंग में टू फंक्शन उनका एन बार डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो यू यू बी दो फंक्शन माने हैं डी की पावर एन यू बी इक्वल टू यू डी की पावर एन बी प्लस एन सी वन डी यू इंटू डी की पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू डी स्क्वायर यू इंटू डी की पावर एन माइनस टू बी प्लस एन सी थ्री डी की पावर थ्री यू इंटू डी की पावर एन माइनस थ्री बी प्लस डॉट 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 बेहर एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इस तरह का फंक्शन इसमें होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू चल ही रहा है और बेस्ट ऑफ लक सब लोग।